नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस राशि। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल्स हैं या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं तो उनकी आप वो अभी तक कुंवारे हैं या फिर डाइवोर्सी हैं या जो भी रीज़न रहा है, लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये जो है 12 से लेकर 19 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं, और जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्कॉर्पियो हम आपके पर्सन की देखेंगे कि उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर, नया लवर इन दिनों आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर वो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, वो वापस आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है, स्कॉर्पियो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। टेम्परेंस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो शायद स्कॉर्पियो, जो आप, हो सकता है कि आप किसी पर्सन से अटैचमेंट फील कर रहे थे, किसी बंदे से अटैचमेंट फील कर रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल टूटा है, आप को परेशानी और दुविधा हुई है, इसलिए आप का जो अभी जो चीज़ें आपकी चल रही थी रिसेंट पास्ट में, वो अप एंड डाउन बैलेंस नहीं बन पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। हो सकता है कि गुस्से के कारण, टेंपर के कारण, या जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस ना बन पाया हो, तो किसी भी तरह से मतलब आपका बैलेंस नहीं बन पाया, इस उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी प्रॉब्लम में रहे, हर्टेड रहे, दिल दुखा है, मन दुखा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जिस वजह से चीज़ें अप और डाउन चली गई, बैलेंस नहीं बन पाया, आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाए, तो इसलिए काफ़ी परेशानी, दुख, तकलीफें आपकी रही हैं। और वहाँ धीरे धीरे करके जो है, जिसने भी आपका दिल तोड़ा था, जिसके साथ भी आप परेशान रहे थे, आपने कोशिश की कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, आराम किया जाए उन चीज़ों को, तभी आप उन चीज़ों को भूल पाएंगे जो चीज़ें आपको दुख तकलीफ दे रही हैं, और उसके बाद आपने कोशिश की कि उठे चलें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि उनकी लाइफ में बैलेंस आ सके, आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके। तो अपने गुस्से को, टेम्पर को काबू में करते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है, ताकि धीरे धीरे करके जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस आ जाए, और आप ना तो उन सामने वाले से ज़्यादा चिपक कर रहे, ना ही ज़्यादा दूरियां बनाए, ताकि जो कड़वाहट है, जो परेशानी है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बैलेंस आ जाए। तो जो पास्ट आपका, रिसेंट पास्ट आपका बीता है, उन चीज़ों को ठीक करने में, उन चीज़ों को बैलेंस में लाने में, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, दुखी कर रही थी, उनमें आपका बीता है, और हो सकता है कि वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आप पर रही है। तो अगर आपने कोशिश की तो धीरे धीरे करके आप स्टेबिलिटी की तरफ, हो सकता है कि अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को बैलेंस करने की, यूनिवर्स का आशीर्वाद चाहते हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ जाए, और जो रिश्ता या जो बात नहीं बन पा रही थी, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए और चीज़ें आगे बढ़ जाए। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दी है। देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते, हो सकता है कि जिस पास्ट में आप जिस पर्सन को पसंद कर रहे थे, जिससे आपकी दूरियां बन चुकी थी, जो रिश्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाया था, तो आपने डिसाइड किया कि आप अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए परिवार और फैमिली का मदद लेते हुए
आप या किसी तीसरे पर्सन की जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है उनकी मदद लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को एक फैमिली एक परिवार बनाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि उन चीज़ों को एक बनाने में परिवार और फैमिली की तरह, चाहे उसके लिए आपको किसी बहन भाई की या किसी एल्डर की, किसी गुरु की, किसी सुपीरियर की जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं, या किसी क्लिक की बॉस की जिसकी भी आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद लेते हुए आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते को आप एक फैमिली एक परिवार की तरह बनाएंगे, यानी कि आप आगे बढ़ेंगे। तो आपने ऐसा जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं और उन चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हैं जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही थी। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी कोई नया पर्सन या इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, इन दिनों नए पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, चलिए देखते हैं। इन दिनों नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी स्कॉर्पियो की लाइफ में, चलिए देखते हैं। क्या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है और अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, मतलब कोई पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और जो इम्बैलेंस इस रिश्ते में बन रहा है शायद आप उसको पहले से जानते हैं या वो आपको पहले से जानते हैं और आपकी बातें नहीं बन पा रही थी, तो वो चाहते हैं कि अगर दोनों तरफ से ही रिश्ते को इक्वल मानेंगे, बराबर मानेंगे, तो जो रुका हुआ रिश्ता है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके उस वो रिश्ता स्टेबल होगा, बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन पाएगी। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर या तो वो खुद या तो सामने वाला अगर कोई दान दक्षिणा करेगा, गरीबों की मदद करेगा, तो धीरे धीरे उनकी दुआएँ मिलेंगी और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगी। तो जो जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो सोच रहा है कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और सही समय, जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, जब तक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, तब तक सही समय आने का, सही वक्त आने का, इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करें। वो अभी इसमें बिगनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए जब इसमें एक बैलेंस आ जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वो अब उससे दूरियां बनी हुई है, तो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका था वो अभी सोच रहा है, डिसाइड कर रहा है कि किस तरह क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर आमने सामने बातें हो, चाहे दुख सामने वाले को हो या उनको दुख हो, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर सारी बातें सामने आएंगी, तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिलेंगी, फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा, जो यूनिवर्स जी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, लक साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और काफ़ी इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं या बनाना चाहते हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते को मिल सकती हैं, क्योंकि इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ वो क्लियरिटी के बाद ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं, यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, उन्हें इस रिश्ते में अभी आना चाहिए या वेट इंतज़ार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो नए रिश्ते, पुराने रिश्ते की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। ये था एस ऑफ पेंटिकल्स, जो पास्ट पर्सन के लिए, जो मतलब जिससे वो पहले रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील करते थे, तो ये रीडिंग
उसके लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं या गाइडेंस क्या है, क्या उन्हें इस रिश्ते में आना चाहिए या भी नहीं आना चाहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए या सामने वाला अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए अपनी तीखा नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते, प्यार से प्रेम से एक दूसरे को साथ, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, इंसानों को यूज़ करने के बजाय चीज़ों को यूज़ करते हैं और एक दूसरे पर ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए शायद आप रखे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है या फिर एक तरफा हो सकता है कि कोई एक बंदा डाइवोर्स ही रहा हो, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका हो, दोबारा से वो नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं नए पर्सन के साथ, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो क्लियरिटी है, जो क्लियर कट कम्युनिकेशन है, धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको एक बिगिनिंग करने के बाद इसको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें आपको हो सकता है कि रिश्ता बनने में 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय लग जाए, तो रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, लेकिन समय और वक्त जरूर लगेगा। आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा और चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।